आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। भूटान ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा। दूसरे दिन भी बैंकों की जारी है हड़ताल, पहले दिन रुके 19,000 करोड़ के काम। देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत के पैतृक गांव में बनेगा स्मारक। आज अल्मोड़ा जाएंगे सीएम धामी, आजीविका महोत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। उत्तराखंड पुलिस में बड़ा फेरबदल, 6 जिलों के कप्तान बदले गए। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। देहरादून में राहुल गांधी की विजय सम्मान रैली को कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों ने मिलकर सफल बनाया, जिसमें सभी विधानसभाओं के दावेदार मौजूद रहे। वहीं विधानसभा ज्वालापुर से कांग्रेस टिकट की दावेदारी कर भूप सिंह ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आती है तो तभी गरीब मजदूर किसान और उनका हक मिल पाएगा, जो भाजपा सरकार में उन्हें नहीं मिला। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आते सबसे पहले मेन मुद्दे बेरोजगारी का समाधान, महंगाई पर लगाम लगेगी। 2022 में आप भी खुद देख रहे होंगे सड़कों पर कितने लोग थे, पंडाल में कितने लोग थे। मुझे तो कोई शंका नहीं लगती, मुझे लगता है कि 40 पार सीट कांग्रेस की आनी चाहिए। देश के एकमात्र नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने देश के लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी दी और देते आए हैं हमेशा। ऐसा कोई देश के अंदर आज नेता नहीं है जिसने कुर्बानी दी हो। भरपूर रैली है, उत्साह उमंग जोश से भरपूर रैली है, और ये जो परिवर्तन की बयार थी उसको आधी में बदलने वाली रैली है। राहुल गांधी जी ने देश के सामने जो समस्याएं हैं, गरीबी की, भुखमरी की, असमानता की और महंगाई की, बेरोजगारी की, उन सब का जिक्र भी किया, उनका समाधान भी बताया। उन्होंने उत्तराखंड के साथ अपने दर्द के रिश्ते को भी बयान किया और त्याग और बलिदान की परम। हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर आयुष विभाग की ओर से आयुष संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उत्तराखंड में आयुर्वेद, यूनानी और योग चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने उत्तराखंड के लिए कई आयुर्वेद केंद्र बनाने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। आयुष के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगभग 200 करोड़ की, लगभग 200 करोड़ रुपए की यहाँ पर आगे की योजनाओं को प्रस्तावित किया है। जल्दी वो धरातल पर उतरेंगी, उसमें चाहे कहीं के भी जो हॉस्पिटल होंगे हम उनको भी अच्छा सुधार करेंगे, उसको बढ़िया बनाएंगे। 10 बेड की हमारे 10 बेड आयुष हॉस्पिटल बनेंगे सारे स्टेट में। 10 बेड, हाँ, 10 हॉस्पिटल बनेंगे 10 बेड का, और साथ साथ में हमारे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी बनेंगे डोएला में, एक होम्योपैथी मेडिकल, हाँ, और हमारे मोबाइल आयुष यूनिट भी यहाँ कोटद्वार में प्रतिष्ठा किया जाएगा। 50 बेडेड हॉस्पिटल, 50 बेडेड हॉस्पिटल को भी अपग्रेड किया जाएगा कोटद्वार में, और 50 बेडेड गवर्नमेंट आयुष हॉस्पिटल कल्याण शरीफ पीरान कल्याण यूनानी कलर और यूनानी का हॉस्पिटल बनेंगे 50 बेड का। तो उसी हिसाब से 200 स्कूल में हर्बल गार्डन भी प्रतिष्ठा किया जाएगा और 100 हेल्थ। सितारगंज तहसील कार्यालय में काम कर रहे 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। पॉजिटिव कर्मचारियों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग ने तहसीलदार को सौंपी है। पॉजिटिव कर्मचारियों के बाद कार्यालय का शटर आधा बंद कर दिया गया है, जिसमें पॉजिटिव कर्मचारी काम कर रहे हैं। सितारगंज में कोरोना पॉजिटिव का ये पहला मामला है। जितने भी हमारे सरकारी संस्थान है, हमारी तहसील है, हमारी कोतवाली है, बिजली विभाग है, एसडीएम कोर्ट है, इन सभी
विभागों में जाके वो सैंपलिंग करें, रैंडम सैंपलिंग करें। आज रैंडम सैंपलिंग के दौरान लगभग 6 जो उत्तराखंड में चुनावी माहौल बना हुआ है, आयोजकों और कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है, लेकिन इस खुशनुमा माहौल के बीच एक खबर चिंता बढ़ाने वाली भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में विदेश से आए 490 लोग लापता हैं। डर है कि इनमें से कोई कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से ग्रसित ना हो। पुलिस और LIU की मदद से इनकी तलाश की जा रही है। 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक उत्तराखंड के करीब 1900 लोग विदेश से दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे। हवाई अड्डे पर उन्होंने उत्तराखंड आने की जानकारी दी, पर इनमें से 490 लोगों अभी भी ट्रेस नहीं हो पाए हैं। इनमें फोन नंबर गलत है, ज्यादातर लोग अमेरिका से आए हैं लेकिन अब इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। पहाड़ों में कुछ जगह तापमान गिरने के कारण झरने और नाले तक जम गए हैं। मैदानों में सर्द हवाओं ने कपकपाती ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पहाड़ी जिलों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की आशंका है, जबकि मैदानों में मौसम शुष्क बने रहने के साथ सर्द हवाएं परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं मसूरी में तापमान -1 डिग्री बना हुआ है। उत्तरकाशी में वराड़ी से लेकर गंगोत्री तक कई जगह झरने और नाले जम चुके हैं। इसी क्षेत्र में गंगा यानी कि भागीरथी के जिस हिस्से में पानी का बहाव कम है, वहां भी पानी बर्फ बन चुका है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।